गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट क्लास सेकंड एनी गार्डन। प्रीवियस वीडियो में हमने एनी के गार्डन को रीड किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अब है आपकी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखते हैं, शॉर्ट्स, काइंड्स यानी कि प्रकार और तरह। हमिंग, हमिंग मीन्स होता है मेकिंग लो कंटिन्यूस साउंड, यानी कि जो पक्षी होते हैं कंटिन्यूस यानी लगातार साउंड करते हैं, यानी कि आवाज़। प्रिटी, प्रिटी यानी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। प्रेजेंट यानी कि सुहावना, इंजॉयबल। पोजेस ए स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर यानी कि छोटे फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द राइट आंसर। फर्स्ट है आपका स्वीट पीस एंड मॉर्निंग। चैप्टर में हमने रीड किया था ग्लोरीज, स्वीट यानी कि मीठी मीठी मटर एंड मॉर्निंग ग्लोरीज। मॉर्निंग ग्लोरीज आपका चैप्टर में प्लांट बताया गया है, तो यहाँ हम किस पर टिक करेंगे, ग्लोरीज पर। टू है आपका एवरी ब्राइट प्रिटी प्रेजेंट डे, यानी कि जो हर एक दिन था वो खिला खिला कैसा था, सुहावना दिन था। प्रेजेंट प्रिटी नहीं आएगा यहाँ, प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट मीन्स होता है सुहावना। थ्री है आपका ए बेड ऑफ वॉलेट मैरीगोल्ड ब्लू, यानी कि जो उसका गार्डन था एकदम कैसा लग रहा था, पर्पल बिस्तर की तरह बिछा हुआ लग रहा था, जैसे कि उसके गार्डन में बहुत सारे फूल बिछे हुए थे। तो वॉलेट आएगा यहाँ, मैरीगोल्ड नहीं आएगा, वॉलेट पर टिक करेंगे। फोर है आपका दे आर द बर्ड्स बीज वेंट फॉर हनी, हनी के लिए कौन गई थी, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ। इस तरीके से आपको टिक करने थे। बी है आपका राइट द राइमिंग बर्ड्स। फर्स्ट देखेंगे पोजेस, पोजेस का हम लिखेंगे रोजेस, आर ओ एस ई एस। ब्लू, ब्लू का लिखेंगे ग्रू, जी आर ई डब्लू। थर्ड है आपका टू, टी डबल ओ टू का करेंगे जू, जेड डबल ओ, जेड डबल ओ जू। फोर है आपका डे, डी ए वाई डे, क्या होगा इसका, सी। इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड्स करने हैं। सी देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ देखेंगे ओ नहीं आएगा फ्लावर्स में। पिक्चर देखनी है आपको और फिल करने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है आपका एस्टर यानी कि तारक का प्लांट, जो मैंने आपको बताया था चैप्टर में एस्टर होता है तारक, ए एस टी ई आर आर एस्टर। टू है आपका ट्यूलिप, टी यू एल आई पी ट्यूलिप। थर्ड है आपका रोज, आर ओ एस ई, रोज मीन्स गुलाब, ट्यूलिप का ट्यूलिप ही होता है, रोज मीन्स होता है गुलाब। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स मेंशन इन द पोएम, यानी कि उन फ्लावर्स को लिखना है जो हमारी पोएम में लिए गए हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं मैरीगोल्ड, एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। ट्यूलिप, टी यू एल आई पी, ट्यूलिप का ट्यूलिप होता है, ये बहुत सारे रंगों के होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं इनमें। और रोज, आर ओ एस ई रोज, और बहुत सारे फ्लावर्स बताए गए हैं इटीसी यानी कि एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर टू है, हूज गार्डन इज दिस, यह गार्डन किसका है, किसका था चैप्टर में गार्डन, एनी का। तो आंसर लिखेंगे दिस इज एनी, ए डबल एन आई ई एनी गार्डन, जी ए
आर डी ई एन, एन इज गार्डन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डू द बीज एंड हमिंग बर्ड्स डू इन एन इज गार्डन, यानी कि जो हमिंग बर्ड्स हैं और बीज हैं वो एनी के गार्डन में क्या करती हैं, क्या करती हैं, वो हनी के लिए जाती हैं, यानी कि शहद के लिए जाती हैं। दे टी एच ई वाई दे गो जी ओ गो फॉर एफ वाई फॉर हनी एच ओ एन ई वाई हनी। 4 है आपका, हाउ इज एनीज गार्डन, यानी कि एनी का जो गार्डन वो कैसा है। आंसर लिखेंगे एनीज ई डबल एन आई ई एस एनीज गार्डन जी ए आर डी ई एन गार्डन इज प्रिटी, यानी कि जो एनी का गार्डन है बहुत ही सुंदर है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर हुए हैं, इनको आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, कर्सिव राइटिंग में सुंदर सुंदर और लर्न करेंगे। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।